हाई फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं रिव्यू कर रही हूँ बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा के बायो हनी जेल रिफ्रेशिंग फोमिंग फेस वॉश का, और दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप। इसका जो क्वांटिटी है वो 100 ml है और इसका प्राइस है 120, और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 3 साल की है। इसमें लिखा गया है कि बायो हनी जेल इज़ अ हाइड्रेटिंग फोमिंग 100% सोप फ्री जेल, इज़ ब्लेंड विद प्योर हनी एंड एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बार्क ऑफ द अर्जुन ट्री एंड वाइल्ड टर्मरिक, डिजॉल्व एंड इम्प्योरिटी, सॉफ्टन स्किन एंड हेल्प्स लाइटन द कम्प्लेक्शन। जो ये क्लेम कर रहा है, माई मदर हैज़ बीन यूजिंग इट फॉर 2 मंथ्स, और उनकी स्किन एज्ड स्किन है, लेकिन मैं उनके लिए लाई इसीलिए थी कि उनके जो मॉइस्चर है वो इंटैक्ट रहे और स्किन ड्राई ना हो। तो ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह से मैंने देखा है कि मेरी मदर की जो स्किन थी वो ड्राई हो जाती थी, लेकिन अब उनकी स्किन ड्राई नहीं होती आफ्टर फेस वॉश, और स्किन पे एक अच्छा सा ग्लो है। ये बायोटिक के प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें लिखा होता है कि दिस इज़ नॉट अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, इट हैज़ थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ विच इज़ देयर। अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स पे आते हैं। इसमें हल्दी जो होता है वो एक बहुत ऑक्सीडेंट होता है, इट इज़ एंटी इन्फ्लामेटरी, और लश्चर स्किन के ग्लो और लश्चर को काफ़ी बढ़ाता है। अर्जुन बार्क जो होती है, यानी कि अर्जुन की छाल, अर्जुन के पेड़ की छाल, ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और स्किन में सीबम प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, और सीबम जो होता है वो स्किन में बैरियर क्रिएट करता है जिससे कि स्किन सेफ रहती है और जो स्किन की ड्राइनेस को दूर करता है। नीम हम सबको पता है कि एक बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीसेप्टिक प्रोडक्ट है। रीठा बहुत अच्छा क्लेंजिंग एजेंट है। एक्ने, एक्जिमा, सोराइसिस जैसे जो स्किन डिजीज़ हैं इसमें काफ़ी हेल्पफुल है, यानी कि इनको रिमूव करने में काफ़ी हेल्पफुल है। इट हैज़ अनानास, अनानास में विटामिन सी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है जो एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इट इज़ एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल। इसमें AHA होता है, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड, जो कि स्किन के जितने भी डेड सेल्स होते हैं उनको एक्सफोलिएट करने में हेल्पफुल होता है और स्किन को ब्राइटन करता है। हनी बहुत अच्छा नेचुरल मॉइस्चराइज़र है, और मॉइस्चराइज तो करता है लेकिन स्किन के ऑयल को कंट्रोल में रखता है। इट इज़ एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, स्किन को लाइटन करने में, ब्राइटन करने में काफ़ी हेल्पफुल है, नेचुरल ग्लो को बढ़ाता है। जितने भी आपने इसमें इंग्रेडिएंट देखे, कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि हार्मफुल है, बल्कि स्किन की इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, स्किन को यंग रखेंगे, फ्लॉलेस रखेंगे, और स्किन के रिंकल्स को दूर करेंगे, टैनिंग को दूर करेंगे, और प्रोलॉन्ग यूज़ में कोई भी इसमें नुकसान नहीं है जो कि हम बायोटिक के सभी प्रोडक्ट्स में देखते हैं। इसमें कोई एनिमल क्रुएल्टी नहीं है, यानी कि एनिमल टेस्टेड नहीं है। इसमें लिखा भी हुआ है कि ये सोप फ्री है, तो इट्स नॉट एट ऑल हार्मफुल, एंड देर इज़ नो पैराबेन, नो SLS। दैट्स व्हाई आई लाइक बायोटिक प्रोडक्ट, इसमें कोई भी ऐसा हार्मफुल एलिमेंट नहीं होता है, और इसकी वजह से मुझे काफ़ी सेफ लगता है व्हेन मैं जब इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हूँ, और इसका जो रिजल्ट है भी काफ़ी अच्छा है। मैं एज आई सेड कि माय मदर इज़ यूजिंग एंड आई हैव आल्सो बीन यूजिंग, लेकिन उनकी स्किन जो है काफ़ी एज्ड है और उनकी स्किन में काफ़ी अच्छा फ़र्क मुझे देखने को मिला, और जो उनकी स्किन में ग्लो आया और ड्राइनेस जो है वो बिल्कुल चली गई है। दिस इज़ व्हाट आई लाइक्ड फ्रॉम दिस फेस वॉश, और मेकअप रिमूवल के लिए भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। सारी इम्प्योरिटीज़, आपकी जितने भी ऑयल है, ग्रीस है, वो सब निकालने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप मेकअप अप्लाई करने के बाद जब आप ये यूज़ कर लेते हैं, ऑयल से अपना मेकअप निकाल लेते हैं, या जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं, क्रीम या ऑयल, उसके बाद आप इसको इससे फेस वॉश कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप लोग भी इस फेस वॉश को लाइए, यूज़ कीजिए, और अपने कमेंट डालिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी अच्छी माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है, बहुत हद तक बायो नेक्टर का जो मॉइस्चराइज़र है उससे मिलती है। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, बाय।